दीपक रंजन इतिहास को जानना का अधिकार है और अगर सर्वे हो रहा है तो क्यों आप इस मुद्दे को इतना बड़ा बना रहे हैं क्यों इतनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं देखिए पूजा भारतीय जनता पार्टी की 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 सरकार में शीशे अदालत है पत्थरों गवाही है लुटेरा यहाँ है और लुटेरा ही सिपाही है जब रक्षा की भक्षक बन जाए तो आदमी वहां की जनता जो फरियाद लेकर के किसके पास जाए देखिए जामा मस्जिद जो है और वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एएसआई की प्रोटेक्टेड साइट है उसके बाद इतनी बड़ी लापरवाही रात में जो है माननीय न्यायालय का आदेश आता है फैसला आता है सर्वे करने के लिए देखिए उन्नीस तारीख को किसी ने उसमें कोई आपत्ति नहीं की हर आदमी ने वहां पे सहयोग किया अभी लोगों को मालूम ही नहीं कि रिट किस बात के दाखिल हुई है रिट तो वहां पर दाखिल हुई है पूजा रास्ते को लेकर के कि बीस से रास्ता होना चाहिए उसके बाद जब आप सर्वे को लेकर के आप इधर उधर की चीजें करने लगे तो आदमी क्या जाए देखिए हमारा डेलीगेशन वहां पर जा रहा था हम परिवार वालों के साथ शोक आर्थिक मदद करने के लिए जा रहे थे लेकिन आज जैसे भाई डीजीपी ने ही कहा कहाँ के सबसे बड़े पुलिस कलाधिकारी ने कहा कि आप तीन दिन आप वेट कर लीजिए तीन दिन में वहां पे हालात समान हो जाएंगे हमने तीन दिन वेट किया उसके बाद जब हम जाने लगे तो हमारे सारे डेलीगेशन को आपने डिटेन कर लिया आपने पुलिस फोर्स के बल पे आपने सबको रोक लिया उसके बाद भाई आप वीडियोग्राफी करा लो अगर हम वहां पे भड़काऊ भाषण दे रहे हैं या किसी को भड़काने का काम कर रहा है वीडियोग्राफी करा लो आप मीडिया के लोग हो अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं आप वहीं से उनको एट अ टाइम आप उनको जेल भेज दो आप, आप कठोर से कठोर कार्रवाई करो तो आप दस तारीख बन... का इंतजार भी तो कर सकते थे ना अरे भाई किसी दुझारी? को सोम संवेदना प्रकट करने के लिए दस तारीख का आदमी इंतजार क्यों करेगा आप बताइए दस तारीख के, के आप बाद आपके आपके संवेदना और आपका जो शोक है वो नहीं लगेगा क्या उनको वो इनकार नहीं पूजा? नहीं, नहीं पूजा तो आप चाहती हो और लाशें बीत जाए पे आप ये चाहती हो अरे स्थिति सामान्य तो आप... है धारा लगी हुई है प्रतिबंध लगा हुआ है बाहरी किसी भी व्यक्ति के तो आप कानून को मानिए ना फिर आपके जो स्टिंगर है रिपोर्टर है वहाँ पर क्यों कह रहे हैं कि दिखाने के लिए हालात सामान्य है लेकिन हकीकत में यहाँ पे हालात सामान्य नहीं है यहाँ स्थिति वहाँ पर समझ रहे हैं ना तो यही तो मैं भी समझने जा रहा हूं ना हम लोग हमारी डेलीगेशन भी तो यही समझने जा रहा है भाई किसी दुख के दुखी के दुखी साथ अगर हम लोग वहां पर खड़े होने जा रहे हैं तो ये क्या छुपाना चाह रहे हैं वहां पे दस तारीख में ऐसा क्या लिपा पोती कर लेंगे ये वहां पर अच्छा वो छुपाना पर... चाह रहे हैं तो आप क्या ढूंढना चाह रहे हैं फिर ये बता दीजिए अगर वहां कुछ छुपाया जा रहा है तो आप वहां क्या ढूंढने जा रहे हैं कि वो दस तारीख से पहले मिलेगा और दस के बाद नहीं मिलेगा हम तो हम तो शोक संवेदना प्रकट करना चाह रहे आर्थिक मदद करना चाह रहे उनके खाने की उनकी क्या स्थिति है खाने के लिए उनके पास कुछ है या नहीं उनका सब कुछ तो बर्बाद हो गया और देखिए ये लापरवाही नाकामी पूरी तरीके से पुलिस प्रशासन की है जिला प्रशासन की है उत्तर प्रदेश सरकार की है आज जो आप चार्ज चौबंद करो जो आपको मालूम था कि सेंसिटिव है वो और वो एएसआई की प्रोटेक्टेड साइट है जामा मस्जिद उसके बाद आपने इतनी बड़ी लापरवाही क्यों की देखिए पूजा मैं लखनऊ में रहता हूं यहाँ पे रोहित भाई भी जानते होंगे एस सिंह साहब भी जानते होंगे यहाँ पे बहुत बड़ा हनुमान जी का मंदिर है बहुत बड़ा मंदिर है उसको आलिया बेगम ने बनवाया था ये हमारा हिंदुस्तान आपसी सौहार्द है आपसे सब सब लोग मिलजुल करके कर रहते हैं देश की आजादी में हिंदू मुस्लिम सिख सबका साथ रहा लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपस में लड़ा करके जब मुख्यमंत्री की भाषा ऐसी हो कि बटोगे तो कटोगे उसको इंप्लीमेंट करने का काम इनके पुलिस अधिकारी अपना नंबर बढ़ाने के लिए कर रहे हैं कमिश्नर कह रहे हैं कि पचास हजार लोगों की भीड़ वहां पे आ गई अरे आपका सूचना तंत्र आपका इंटेलिजेंस आपका ड्रोन क्या कर रहा था इतने पत्थर कहां से इकट्ठे हो गए आप बता दो कि आपकी सरकार नाकाम है दंगों को हिंसा को रोगने, रोगने दे 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 दे। रोक रोकने में नाकाम है आप आप के कहने लिए जी अभी आप ये बातें बोल रहे हैं बहुत अच्छी लग रही है लेकिन जमीन पर ऐसा होता दिखता नहीं है ना अरे बड़ा सवाल यही है देखिए पूजा जी देखिए पूजा जी इसमें देखिए बायस जो करके कोई बात में नहीं कर रहा हूँ लेकिन मैं ये कहना भाई सर्वे से पहले अयोध्या में भी हुआ इससे पहले ज्ञानवापी में भी हुआ है रहा ना ज्ञानवापी में काफी लंबा सर्वे चला पूर्वक रहा संभल में यहाँ पर हालात बिगड़ जाते पूजा आपके पूजा आपके कमिश्नर में और पुलिस में कमिश्नर एक मिनट आपके पुलिस कमिश्नर में सॉरी कमिश्नर में और आपके पुलिस कप्तान में आपसे विरोधाभास है आपका कमिश्नर कह रहा है कि यहाँ पर पहले भी इतने लोग इकट्ठे होते रहे हैं और आपके जो पुलिस के कप्तान साहब है वो कह रहे हैं कि ऐसा पहली बार हुआ कितने लोग वहां पर इकट्ठा हो गए इसके मतलब आप नाकाम रहे उसको कंट्रोल करने में रात ही रात कौन सा ऐसे आपको जल्दबाजी आपको सूर्य कुमार शुक्ला जी का मैं एक बार रुक करूंगी सूर्य बड़ा सवाल बन गया है